जस्या मलंग दिवि जसह प्रतितंग रसायां भूमौ चति भुवन मंगल दिव्य। नारद जी कहते हे प्रभु आपण जगत मंगलकारी आपण आपण जो पवित्र आपण जो विशुद्ध जो जस ना जो कीर्ति त्रिभुवन को पवित्र कर दिए आपण जो अम्लान पूत चरित्र कीर्ति गाथा ये त्रिभुवन को सारा भुवन को पवित्रीकृत करिए तापरे आपणकर चरणधूत जल ही स्वर्गर मंदाकिनी रूप प्रवाहित पाताल भगवती रूप से विशेषकर मर्त्य लोक गंगा रूप से संपूर्ण त्रिभुवन को पवित्री करती आपण चरणामृत सारा जगत को पवित्री करे त्रिभुवन को आपण कथामृत त्रिभुवन को पवित्र करे। तेणु उद्धव जी कही ना अहं नंद ब्रजस्त्रीना पाद रेणुम अभिक्षसह यासंग हरि कथद गीतं पुनाति भुवनत्रय मु श्री नंद ब्रज स्त्री गोपी मानक चरण कमल चरण रेणु को प्रार्थना करुच्छी जो मानक मुखनिश्चित भगवान कर अम्लान चरित्र कीर्ति गाथा द्वारा त्रिभुवन पवित्रीकृत होती है। भगवान कर कथा मंगलमय ये श्रवण मंगलं कहगला श्रवण मात्र मंगल जे शुणिय तार मंगल हम ये मंगलमय भगवान कर कथा ही मंगलमय आ भगवान भी जस लीला एथिपाई करिसंती जगतर मंगल विधान पाई से प्रकटीभूत होती लीला विलास करना त्रिभुवन भगवान को माया को पारा जीव पक्ष सामर्थ्य ना निजर पुरुषार्थ द्वारा निजर सामर्थ्य द्वारा कई कहले भगवत मायार उल्लंघन करना जन्म मृत्यु चक्र भितर से ग्रसित होती उधार हो पार नहीं किंतु आप भगवान कृपा करी कौन कर से लीला विलास करी से लीला विलास जदि किए श्रवण करे जदि किए कीर्तन करे जदि किए स्मरण करे ताल निश्चित रूप तार कल्याण हम इतिपाई जस्य वै श्रीयमाणे कृष्णपुरम पुरुषे भक्ति उपदेते पुंस शोक मोह भयापह यदि श्रीकृष्ण परम पुरुष भगवान कथा जो शुणव कीर्तन करिवो श्रवण करिवो ताल तार भक्ति तो प्रकट हे अंतकरण तार कौन आसो शोक मोह भय दूरभूत हो संसार प्रति शोक रही दूरभूत हो संसार प्रति आसक्ति अच्छे दूरभूत हो जो भय रही दूरभूत हो तेणुक भगवान मंगलमय कथा ही मंगलमय यही हूँ इतिपाई नारद कहते हे प्रभु आपणकर से अम्लान चरित्र गाथा संपूर्ण जगतर मूल को दूरभूत करदेव अंतकरण जिते धूलि अच्छी आमर जिते आवर्जना रही चित्र जिते मईला रही सबकि पवित्र करदेव भगवान कथार शक्ति ये अच्छे भगत नाम भगवान कथा शक्ति प्रकार हे भुवन मंगल कर स्वर्ग मर्त्य रसातल सुविस्तृत एवं दिग्मंडल भूषण स्वरूप भवदीय जशराशि स्वर्गीय मंदाकिन नाम पाताल भगवती संज्ञाए पृथ्वी गंगा नाम प्रसिद्ध भवदीय श्री पादपद प्रख्यालन बारी विश्व को पवित्र करुचि ये दुईटा जिनस बड़े दुर्लभ भगवान का चरणामृत स्वर्ग मंदाकिनी पाताल भगवती आर्त्य गंगा आ स्वर्ग मर्त्य पाताल त्रिभुवन भगवान जश कीर्ति जो चरित्र गाथा आरि द्वारा सारा संसार पवित्रीकृत हो जाए मंगलमय आसी जाए भगवान कथा जो कीर्तन हो अमंगल प्रश्न नुहे से सर्वदा मंगलमय इतने कथा परेषणकारी जो मैंने भगवान कथा को जो वितरण करती सीमान को महाप्रभु भाषा भूरीदा जना कहगला बड़
शुभाकांक्षी समान है, बड़ा दाता समान है। कने कथार शक्ति एमती जदि भगवत कथा मुक्त कुल मानकर उपास्य परमहंस जो माने विशेषकर तृष्णा कामना बासना जो मानकर नष्ट से मानकर उपज्ञ महानाज कहुचे से मानकर कीर्तनीय वस्तु ये भजनीय वस्तु ये तथापि विषयाशक्त लोक मानी भी जो मैंने विषय भितर आबद्ध अच्छा से विषयाशक्त लोक मानकर विषम विषय को दूरीभूत कर आसक्ति मोह को अज्ञानता आसक्ति मोह को दूरीभूत कर अमृतत्व को आस्वादन करा ये भी सहायक भगवत कथा एथिपाई भगवान कथा समस्त सुखपाठ्य परमहंस मानी मुक्त पुरुष मानी आ विषय विषय भितर डूबी रही थे लोक मानी नास्तिक मानी जे भी थे शुण भगवान कथा तार मंगल हम ही हम कहीं कथा मंगलमय अवश्य श्रद्धार जी शुणी भक्ति सहित शुणती प्रीति सहित शुणती संबंध ज्ञान संबंधीभूत शुणती गुरुवानुगति श्रवण करती से कथार रस अलग तथापि जड़े अबहला भाव शुणिले भी जिंती हरिनाम सांकेतिक परिया संत मंगल नमाज कहगला भगवत नाम भगवत कथा जी जड़े कर्णर जो तार गोटे शब्द भी भगवान चरित्र किसी कियदंश यदि से श्रवण कर निश्चित रूप कल्याण हम ही हम ए अनिवार्य कौन सन्देह ना कहीं भगवान लीलाविलास कर जगतर कल्याण करने से मंगलमय कथा ही परिवेश श्रवण श्रवण करिया कर्तव्य जितने नाराजी कहले आपण जीवाटा दरकार महाराज युधिष्ठिर महाराज महायज्ञ यदि समस्त समस्ते निमंत्रित होती प्राय देवता लोक मैंने बड़ बड़ राजा मैंने बड़ बड़ संत आज्य ऋषि मान भी आस निमंत्रित होती किंतु विशेषकर आपणकर उपस्थित हो सही आपण को सर्वाग्र पूजा कराजियो आराध्य रूप से प्रतिपात कराजियो आपण को चरणकोल दर्शन करने से आते ठाकुर जी पचारा ना आच्छा नारद मोर दर्शन करने कहीं ये लोभ पूर्वर तो कही आपण कथा श्रवण करी कीर्तन करी ध्यान करी लोक मैंने पवित्र होती स्मरण कले आदि आप दर्शन कले कौन न पड़े ये प्रश्न कले मोर दर्शन कर इच्छा कारण कौन तार उत्तर कौन जे तुम अमल जश स्वर्ग मर्त्य पाताल प्रसिद्धि दश दिग व्यापी चांदया न्याय अलंकार हो विश्व को पवित्र करुतुची सेपर तुम चरण धूत जल मध्य पवित्र करुच्ची अत पवित्री अंतकरण हेतु ही से मानकर तुम दर्शन इच्छा हो कहले से कहीं दर्शन कर जानते महाराज जेहेतु तांकर अंतर परिष्कार जो मैंने आस हृदय परिष्कार हृदय परिष्कार अंतकरण एत विशुद्ध होकर निर्मूल होती से मन भितर उत्कंठा अभीपसा जाग्रत हो आप दर्शन करने यदि पचारा से अंतकरण परिष्कार कमी है अरे महाराज आप कथा शुणी परा आपण को जो अम्लान जश कीर्ति रखी ना आप लीलाविलास कर से चरित्र कथा कीर्तन करी श्रवण करी से मानकर अंत स्मरण करी ध्यान करी अंतर परिष्कार द्वितीय आपण चरण धूत जल स्वर्गर मंदाकिनी रूप से प्रवाहित मर्त्यर गंगा रूप से पाताल भगवती रूप से ये आपण चरण धूत जल भी से अवगहन कर अंतकरण परिष्कार आपण कथामृत आपण चरणामृत यही जो दुर्लभ वस्तु आप जगत को विश्व को प्रदान करा से मानकर अंतकरण शुद्ध होती से पवित्र अंतकरण शुद्ध निर्मल हृदय से आपण को दर्शन करने आसार तो भगवान को दर्शन करने पूर्व कौन आवश्यकता अंतर परिष्कार हो दरकार शुद्धांतिकरण धुनोति भगवान से विराजमान करेंगे ए जो रजा मैंने आसेषकर जो सन्त मान ऋषि मैंने देवता आस आप दर्शन करने इच्छा करतर परिष्कार कहीं परिष्कार कथा शुणी आपण
अतः पवित्र अंतकरण हेतु ही से माने आपन को दर्शन इच्छा करचंती अथवा ये गोटे कारण द्वितीय कारण विश्वनाथ कहचंती जहाँ जश चरंजल त्रिजगत पवित्र गारी से साक्षात तुम युधिष्ठिर महाराज कर्तृक यज्ञ निमंत्रित होइच से पवित्रकारी वस्त्र वस्तु समूह प्रयोजन अच्छे बोलिया माने जहाँ जश चरंजल त्रिजगत पवित्र करदे आपणकर जश आपणकर कथा आपणकर चरित्र आपणकर चरण धूत जल संपूर्ण त्रिभुवन को पवित्र कर दे युधिष्ठिर महाराज आपण आमंत्रित होती निमंत्रित होती से समस्त ये पवित्रकारी वस्तु समूह प्रयोजन अच्छी बोली पवित्रकारी वस्तु समय आपण से प्रकट हेले आ सबकि पवित्र हो महाराज जार कथार शक्ति एते जार चरण प्रक्षण जलर शक्ति सामर्थ्य से स्वयं जदि विराजमान करती ताल तो पवित्र ही पवित्र से पवित्र कौन सी स्थान ही ना महाराज तेणु आपणकर कथा दर्शन करने सब इच्छा करवदर्शन लालसाईटा ना भगवदर्शन लालसाई प्रकार दर्शन कल गोपी मान दर्शन लालसा अलग प्राण बल्ल थे सी गोपी मान प्राण बल्ल आज आम कह अर्जुन युधिष्ठिर प्राण बल प्राण थे कि गोपी गोपी ना जिते हेल्ले गोपी मान जो श्याम सुंदर दर्शन लालसा से मैंने तो ठाकुर जी विरह शरीर परिचर्या मत किसी ना कि यज्ञ आदि बड़ बड़ अनुष्ठान करफात रोच एथमें गोपी मानकर ब्रजवासी मानकर ब्रजांगना मानकर जो कृष्ण दर्शन लालसा आउ युधिष्ठिर महाराज यज्ञ आम निमंत्रित जिते सब देवता और राजा मानकर कृष्ण दर्शन लालसा भितर तफात भी अच्छे जदि ये मानक अंतकोण शुद्ध मन ना कि गोपी मानक अंतकोण शुद्ध नुहे से मानकर स्वरूप विशुद्ध पूरा नित्य सिद्ध परिकर से पार्षद से ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗୋପୀ ଗୀତ ବିରହରେ ଗାଇଛନ୍ତି ଗୋପୀ ଗୀତ କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ବିରହରେ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇ ଯମୁନା କୂଳରେ କୁଳୀନ ତଟରେ ଉପବିଷ୍ଟ ତିନିଶତ କୋଟି ଗୋପୀ ସ୍ୱାମିନୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ କରି ତାଙ୍କରି ଆନୁଗତ୍ୟରେ ବା ତାଙ୍କରି ସହଚର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ବିରହରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଲାଳସାରେ ସେମାନେ ପୁରା ପାଗଳିନ ସଦୃଶ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଭାବଟା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ସେ ଠାକୁର ଠାକୁରଜୀ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ସାକ୍ଷାନ ମନ୍ମଥ ମନ୍ମଥ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପ୍ରକଟ ହୁଏ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପଧାରି ଠାକୁରଜୀ ଏଠି ବଂଶୀବାଲା ନାହିଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଯଜ୍ଞରେ ସୁଦର୍ଶନଧାରୀ ପ୍ରକଟ ହେବେ କିନ୍ତୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ବିରହ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୁରଲୀବାଲା ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ ଠାକୁରଜୀ ନଟବର ଏମାନେ ତ ଶୁଣି ଶୁଣି ଲୋଭ ହେଲା ଏମାନଙ୍କର ଏ ରାଜାମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ଲୋଭ ହୋଇଛି ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଦି ଏମାନଙ୍କର ରୁକ୍ମିଣୀ ପଟମସେ ଶୁଣିଥିଲେ ଦ୍ୱାରକାର ଏବେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ରାଜାମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଦେବତାମାନେ ଲୋଭ ହେଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଗୋପୀମାନେ ଶୁଣିବେ କ'ଣ ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭାଇ ସେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ବି କରିଛନ୍ତି କୋଳରେ ବି ଧରିଛନ୍ତି ବାଲଗୋପାଳକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଲୀଳାରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇ ଦର୍ଶନର ଲାଳସା ଅଲଗା ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଯଜ୍ଞପତିମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ ଦେବତାମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଳସା ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୋପୀମାନେ ଜନ୍ମ ଆବିର୍ଭାବ ସମୟଠୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଛାଇ ଭଳିଆ ସେମାନେ ରହି ସାଥିସାଥି ରହିଥିଲେ ଯେଉଁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର ତାଙ୍କରି ବିରହରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ଲାଳସା ଯେଉଁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ଥିତି ସେଇଟା ସେଇଟା ମଣିଷର ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ ସେ ସ୍ଥିତି ସେ ଯେ ସମ୍ବନ୍ଧ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୀତି ନା ସେଇଟା କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ଯାହା ବି ହଉ ଶିଶୁକୁ ବାଚ
तत्र ते स्वात्मा पंकेशो गुणस्य विजिगिषया वाचः तेषैस्मयन भूता भूत्यं उद्धवं प्राह केशव। शिशुकोवाच तत्र एवं नारद उक्तम, ए प्रकार जो नारद कहिले, तेषु आत्मपक्षेषु जादवेषु विजिगिषया जरासंध विजयच्छया अगुणस्यु अमन्यमानेषु सतसु केशव स्मयन हसन। आ पूर्व कौन पूर्व मन पक जूत आसते जरासंध द्वारा आबद्ध होता रजा मैने गोटे दूत को प्रेरण करते से 20,000 रजा को जो जरासंध जो बंदी को रखी थे से राजा मानक अंतर्निहित जो भाव जो आरती से दूत मध्य प्रकाश कर ठाकुरजी मध्य मन मन चिंता करते से मानको किमती उद्धार करा जीव। बर्तमान नारदजी नारदजी मुखर एक कथा शुणिले अमन्य मानस सत्यसु केशव स्मय हसिले बाच पेशई पेशल बाग्भी भृत्यं सेवकं उद्धवं प्राह। तब निज सेवक भक्त उद्धव को कौन ठाकुर जी श्री सुखदेव कहले हे राजन से समय जादवगण जरासंध विजय अभिलाषी हो देव देवर्षि वाक्य सधानित ना हबार भगवान श्रीकृष्ण हास्य सहकारे सुनिपूर्ण वचन उक्त उद्धव को कहवाक लगे। नारदंकर कथा बड़ा हृदयस्पर्शी कहीं श्रीकृष्ण महिमा ही गौरव ही प्रभाव ही ऐश्वर्य ही सारा जगत रे कीर्ति थव कहीं युधिष्ठ महाराज महाजज्ञ सर्वसमक्ष साधु संत अमलात्मा विमलात्मा ऋषि मुनि राजा महाराजा सम्राट देवता प्रजा समस्त सम्मुखें सर्वाग्रे कृष्ण को अग्रपूजा दिजो आराधना करा जीव आर द्वारा श्रीकृष्ण उत्कृष्टता ही वृद्धि पाव ये तो बड़ा गर्वर कथा जादव मानी किंतु से क्षेत्रीय बर्तमान युद्ध करने अभिलाषी जरासंध को जरासंध अटाक करने जरासंध सहित युद्ध करने मन भर जो अभिलाष था से नारद मुखनिश्चित वाणिज्य हृदयस्पर्श है श्रद्धा है से कहीं गोटे माइंड गोटे पटे फिक्स हो जाए ना से पटे मन आसलानी से क्षेत्रीय युद्ध अभिलाषी मन से युद्ध करने इच्छा कर तो नारद जो सुंदर कथा उपस्थापन कले श्रद्धा हलानी कि ठाकुर जी तो ये सब जानती से हसी हसी मधुर बाक्य उद्धव को कहते अति विश्वस्त जी उद्धव अति प्रिय जो उद्धव को से प्रेरण करते गोपी मान पाखक जिकि मंत्री थे सबकि योग्यता जहाँ पाखे थी। श्री भगवान उवाच तुम ही न परमं चख्यो स्रहो नत्र तत्त्वी तथा तस्रह अनुष्टेयं सदधान करवामतं तुम ही न परमं चख्यो श्रुन मंत्रार्थ तत्त्वित। श्री भगवान कहते मंत्रार्थ तत्त्वित मंत्रार्थानां मंत्र साधनां तत्त्वित परिपाक कवेदिताः श्रुत बांधवस्य तुम ही नूनं न अस्माकं परमचक्यु उत्तम
नयन तुल्य भवसी। वाह कितोड कथा कहले कहले हे उद्धव तुम्हें बर्तन ये आम मान कर चक्षु सदृश कहीं तुम मंत्रार्थ वेदवीत तुम मंत्रार्थ तत्व मंत्र अर्थ तत्व तो तुम्हें जान मंत्र साधना कर तत्वित से अस्माक आम मानकर श्रुत तुम्हें आमर बंधु आम मान परम चक्षु सदृश अथ अतएव अत्र जरासंद विजय राज सुयग मनरूप सुजग मनरूप कर्तव्य दे अनुष्ठे किंग नाम कर्तव्य तत् ब्रूहि बदतत बर्तमान जो दीटा कार्य गोटे पटे जरासंद विजय गोटे पटे राजस्व यज्ञ युधिष्ठिर महादेव नाम এই স্থিতিরে কর্তব্য কণ কোড়া করিয়া কথা অনুষ্ঠে কণ করা যাব কিং নাম কর্তব্য তত ব্রুহি কো উদ্ধব বর্তমান কণ করিয়া কেমতি করিয়া দুইটা কার্য না দুইটা গোটে সময় আসছি গোটে পটে জরাসন্ধকু জরাসন্ধ সাথে যুদ্ধ করি উদ্ধার করিয়া পড়ে রাজামানকু এপটে নারদঙ্ক দ্বারা প্রার্থিত বা যুধিষ্ঠ মহারাজ দ্বারা আমন্ত্রিত নিমন্ত্রিত ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ରୁହି କୁହ ତତ୍ ତଦୁକ୍ତଂ କାର୍ଯ୍ୟଂ ସଦର୍ଥ କରବାମ ସଦେ ଆଚରି ସମେତ ହେ ଉଦ୍ଧ ତମେ କୁହ ବିଚାର କରି ତମେ ତ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ନା ତମେ ଯାହା କହ ଆମେ ତାହା ପାଳନ କରୁ ସୁନ୍ଦର କହୁଛୁ ନା ସଦଥା କରବାମ ସଦେ ଆଚରି ସ୍ୟାମ ସଦା ସେ ତମେ ଆଚରଣ କରିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ହେ ଉଦ୍ଧବ ତୁମେ ମନ୍ତ୍ରସାଧ୍ୟ ବିଷୟର ପରିଣାମଦର୍ଶୀ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ବାନ୍ଧ ଉତ୍ତମ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ୱରୂପ ଅତଏବ ଜରାସନ୍ଧ ବିଜୟ ଓ ରାଜସ୍ୱ ଗମନ ରୂପ କାର୍ଯ୍ୟଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହା ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କର ତାହେଲେ ଆମେ ସଦାସହିତ ତାହାର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବୁ। ବାହ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଉଦ୍ଧବ ଠାକୁରଜୀ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅତି ନିକଟତର ପ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ସେବକ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏ ପଢ଼ାପଢ଼ି କ'ଣ କରୁଛ ଭାଗବତ କଥା ସମୟରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଫୁଟେଇବନି ଏ ଫୁଟେଇବନି ବୁଝିଲା ହାଇ ମାରିବନି ଆଙ୍ଗୁଠି ଫୁଟେଇବନି କେତେଟା ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଜାଣି ନାହିଁ କି ନିୟମ ନାହିଁ ଯାକ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇ ବସିବନି ଏସବୁ ସାଧାରଣ ଯେ କରିବନି ହେଲା କଳେ ସିଆଡ଼େ ଯାଇ ବାହାରେ ଯାଇ କରିବ ତୁ ଆଉଟି ଫୁଟାଳି ଠିକ ନାହିଁ ନା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଉଦ୍ଧବ ତୁମେ ତ ମନ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ତୁମେ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆମମାନଙ୍କ ପରମ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଚକ୍ଷୁ ସଦୃଶ ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଉପନୀତ ଆମେ କ'ଣଟା ତୁମେ ଯାହା କହିବ ତାହା ହିଁ କରିବ ବିଚାର କରି କୁହ। ଠାକୁରଜୀ ବହୁମାନନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ହିଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ ସେ ହିଁ ସବୁକିଛି କରିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କହିବା ଶୈଳୀ ଏ ପ୍ରକାର କହିବା ଶୈଳୀ ଏ ପ୍ରକାର ଜଗତରେ ଏ ପ୍ରକାର କଳାକାର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଭଳିଆ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିତରେ ଭାବୁଥିବେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସେମିତି ହେବ କରିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଭରଣକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରାନ୍ତି ଏଇଟା ବଡ଼ ଚତୁରତାର କାମ ଇଏ ଏ ସମସ୍ତଟା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଠାକୁରଜୀ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପଲିସି ସେଇଟା ପୁରା କନ୍ତ ପ୍ରତିଜାନୀୟ ନମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି ହେ କୁନ୍ତି ପୁତ୍ର ତୁମେ ଜାଣ ମୋ ଭକ୍ତର ବିନାଶ ନାହିଁ ଯାହା ତୁମେ ଘୋଷଣା କର ଜଗତରେ କି ତୁମେ ଘୋଷଣା କରିପାରୁନୁ କି ତୁମେ ତ ଘୋଷଣା କରିପାରିବ ଭଗବାନ ତୁମେ ନାହିଁ ନାହିଁ ଭଗବାନ ନିଜର ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଅର୍ଜୁନ ଭକ୍ତ ସିଏ ଯଦି ପ୍ରଚାର କରିବେ ତାହେଲେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯାହାକୁ ଭଗବାନର ଭକ୍ତ ବୋଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ତାଙ୍କର
परम विश्वस्त भक्तान को माध्यम बहुत कार्य कर नले कहले परम चक्षु कहीं कहले चक्षु सदृश हे उद्धव तुम्हें मंत्रधारी चक्षु स्वरूप कहत कौन करुपामंत्रित भट्ट सर्वज्ञानापी मुग्धव निदेशं शिरसाधाय उद्धव प्रत्यभासत सर्वगेन अपि भर्ता प्रभुणा श्रीकृष्णेन मुग्धवत अज्ञवत इति पूर्वोक्तम् उपमंत्रितः पार्थित उद्धव निर्देशं तदाज्ञं शिरसा आदाय स्वीकृत्य प्रत्यभाषित प्रत्युतवाद ठाकुर जी जो प्रश्न कले ना जिन अज्ञ भाव प्रश्न कर अनभिज्ञ से किसी जाणि ना एमती प्रश्न कले उद्धव तुम आम चक्षु सदृश तुम आम परम बंधु आम सम्मुख में बड़ बड़ कार्य दुटा आो कार्यटा कर तुम्हें कह तुम जहाँ को आम पालन करू जी भगवान किसी जाणि ना सर्वज्ञ से सर्वसमर्थ से किंतु ये प्रकार अनभिज्ञतार सहित प्रश्न उपस्थापना करती पूर्वर करते नारद उपचार ना हे नारद तुम द्वारा आम जगतर खबर आमको लभ्य हो तुम तो सारा ब्रह्मांड पर पर्यटन करुच बर्तमान युधिष्ठिर महाराज पांडव मानकर कौन उद्देश्य कौन कौन करने को चाहते से कौन ठाकुर जी जान ना यज्ञ करने चाहते सब जानते नारद कौन कहले हे प्रभु आपण माया को बहुत थर आपणकर माया को अनेक बार दर्शन कर स्वरूप आप सब जानते किंतु अनभिज्ञता सहित आप प्रश्न उपस्थापना करेणु आपणकर मो सम्मुख ये प्रकार प्रश्न उपस्थापन कौन सी विस्मय नुहे ये आप स्वभाव महाराज ठाकुर जी स्वरूप से स्वभाव से तेणु से कहते मुझे आपण को आप प्रश्न कौन से अप्रासंगिक नुह अजुक्तिक नुह बर ये जुक्तिजुक्त सिंधु उद्धव को नारद भी जो प्रकार निजर भगवत आज्ञा को पालन कर उत्तर देते बर्तमान उद्धव जी जानते भगवान सर्वसमर्थ तथा से पचार आज्ञा को शिव धारण कर शिवधार्य कर बर्तमान से कहते आम जो था कौन कहते कौन आप जानना ना कौन आम पचार एमती कही था जी किए पचार कौन जानना ना पचार यही हूँ कली युगर लक्षण बुद्धि लक्षण दुर्बुद्धि परिचय अरे भाई बड़ मान जान ले पचार छोट मान उत्तर देवा दरकार ये हूँ वैष्णव एटिकेट जाऊ कहगला यार अभाव पे पाखे उत्तर देवे आप जानना गुरुवर्ग बेले बेले बहुत कथा जानी था जानी मध्ये पचारे परीक्षा तांकर थाए मायापुर जो सीढ़ीटा देखे ना मायापुर सीढ़ी पहाच से प्राय दी तीन थर भंगा गला परे शेषे पूज्यपाद विष्णु फाइनाल कले ये ठीक बोलिक कहीं विचारधारा अलग महाराज कले ये ठीक थे कौन है संध्या आरती पर पाठ कीर्तन पर मुझे तले पहाज रही महाराज भी आस कथ चल सीढ़ी विषय कौन पड़े महाराज को कहले हाँ दि तीन थर पर तो तैयारी देख भगवान की इच्छा ना कौन कौ दि थर रिपीट कले अवश्य से परीक्षा करने कहते कि आम बुद्धि टेस्ट करने कहते से बहुत सी जानते कहे दि थर तीन थर तो भंगा पर फाइनाल भगवान की इच्छा ना कौन कौ हे कौन कौ कह मैं हाँ महाराज इच्छा भगवान कर उत्तर मोर ठीक लगे ना मुझे जानी कहीं शिशु नुआ
ସେ କାହିଁକି ପଚାରୁଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ପଚାରନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି ଅସମ୍ଭବ କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିନି ସେଥିପାଇଁ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ ପୁରା ଆମ ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁମା ଯାହା ଯାହା କହୁଥିଲେ ନିଜେ ନିଜେ ପୂଜିପାଦ ବିଷ୍ଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଯାହା ଯାହା କହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବୁଝୁଛି ହେ ଏବେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ମହାରାଜଙ୍କର କଥା କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ବୁଝିବାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କଲେନି ଉଦ୍ଧବଜୀ ରାଜି ହେଇଗଲେ ହଁ ମହାରାଜ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ ପୁରା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବଜ୍ଞ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞଜନରେ ନାଏ ଏଇ ରୂପ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଉଦ୍ଧବ ତଦୀୟ ଆଦେଶ ଅବନତ ମସ୍ତକରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଇଏ ସର୍ବଜ୍ଞ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା ଜାଣିକିରି ସବୁ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପାଳନ କଲେ ସେ ଜାଣି ପାଳନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ସିଏ ସେଇ ଯାଦବଗଣଙ୍କର ସଭାରେ ଆତ୍ମୀୟ ପକ୍ଷଗଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଜରାସନ୍ଧକୁ ପରାଜିତ କରିବାର କାରଣରେ ନାରଦ ଋଷିର ସେହି ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଓ ଅନୁମୋଦନ କଲେ ପରେ ଏହି ବାକ୍ୟର ଅବୟବ ସମୂହର ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଅଭିପ୍ରାୟଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ସମୂହର ସହିତ ଉଦ୍ଧବର ହୃଦୟ ଆରୋପିତ ଅଭିପ୍ରାୟ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହାର ଏହି ମନ୍ତ୍ରଣା ସର୍ବପ୍ରକାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଏହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଠାକୁରଜୀ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେନି କାହିଁକିନା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଆମା ବିଶେଷ କରି ଯାଦବମାନେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ ସେମାନେ ପୁରା ମାନସିକ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ନାରଦଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ଅନୁମୋଦନ ନାରଦଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ତେଣୁ ଠାକୁରଜୀ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ନିଜ ତରଫରୁ କିଛି ଉପସ୍ଥାପନା କଲେନି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଯାଦବମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସଦୃଶ ଭଗବାନ କହିଲେ ଅସ୍ମାକ ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପରମ ବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସଦୃଶ ଉଦ୍ଧବଜୀଙ୍କୁ ସେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଲେ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ ତମେ କୁହ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା କଥା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ଇଚ୍ଛାଟେ ଉଦ୍ଧବ ଠିକ୍ କହିବେ କାହିଁକିନା ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସେବକ ସେମିତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନ୍ତର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ସେବକ ଜାଣନ୍ତି ନା କ'ଣ ଭଗବାନ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣିଦିଅନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ନନ୍ଦୀଘୋଷ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଅବୟସରେ ନୃତ୍ୟ କଲେ ସେ ନୃତ୍ୟ କରି ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ କେହି ତା ଅର୍ଥ ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜର ସେ ଆନନ୍ଦରେ ନିଜାନନ୍ଦ ଦେବା ସେ ନିଜର ସେରେ ଡୁବିକି ମହାପ୍ରଭୁ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବିରହରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇକରି କୃଷ୍ଣ ସ୍ମୃତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ ହରିଦାସ ଠାକୁର କୁଟୀରକୁ ସେ ସମୟରେ ରୂପଗୋସ୍ୱାମୀପାଦ ଆଉ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ସ୍ନାନ ଉପଲକ୍ଷେ ଯାହା ବି ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ସେ କୁଟୀରରେ ଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ନଜର ପଡ଼ିଲା କୁଟୀରରେ ଯେ ଚାଳ ଛପର ଘର ହେଇଥିଲା ସେଇଠି ଗୋଟେ ତାଳପତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଗୋଟେ ତାଳପତ୍ର ତାଳପତ୍ର ଲେଖନ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ତାଳପତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ଲେଖା ସେଟା ବାହାର କଲେ ପଢ଼ିଲେ ପଢ଼ିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଭାବିତ ହେଇ ବିରହରେ ବ୍ୟଥିତ ହେଇ କୃଷ୍ଣ ଅନିସନ୍ଧିତ ହେଇ ଯେଉଁ ନିଜର ଅନ୍ତର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଉଦ୍ଦୀପନାକୁ ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ଳୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ କୀର୍ତ୍ତନର ତାଳେ ତାଳେ ନୃତ୍ୟ କରି କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କରି ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବକର ଉତ୍ତରଟାକୁ ରୂପଗୋସ୍ୱାମୀପାଦ ଶ୍ଳୋକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରୂପଗୋସ୍ୱାମୀପାଦ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୃଦୁ ଚପଟଘାତ କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ହସି ହସି କହିଲେ ଆରେ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ବା ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ମୋ ହୃଦୟର କଥା ସେଥିରେ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣ ହୃଦୟ କଥା ଜାଣିନି କିଏ ଜାଣିବ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ବା ସାଧୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ
कृष्ण भारी शरणागत से मानकर अंतर जो भावना ठाकुर जी को ही भाव ही आसता है। गुरुगत शिष्यंकर अंतर्नित भाव गुरुंकर आदर्श ही प्रतिरंजित हो। भगवान पाखर जन वास्तविक शरणागत भगवत इच्छा तक अंत प्रकाशित हो, ये हूँ नियम। यदि किसी विजातीय टी थी विशेषकर शरणागत अभाव थी सीट बुझावण सब बुझाई सब बुझी हेन आम बुझीपर उद्धव तो परम थे ना से पूरा ठाकुर जी खास नल देखु ना ये गोटे मथुरार कहीं मिललानी उद्धव को सी निजुक्ति करते उद्धव तुम्हें ही जाओ तुम्हें ही मोर सबकि हाथ धरी निर्जन छात उपर टहली टहली ठाकुर जी निजे भावियों उद्धव हाथ धरी कौन उद्धव तुम्हें ही जाओ बास गच्छत हो ब्रजंग सौम्य ना पितृ न प्रीति माव कही ना हे उद्धव तुम्हें जाओ ब्रज को पितामाता को संतुष्ट करियो आ किंतु गोपी मान मत वार्ता मो कथा शुणे विमोचन करियो मत संदेश विमोचन मोर कथा शुणेब बस मोरी कथा कह कहीं तुम्हें ही मोर अति निजर आ तुम बिना किए अच्छे सब यही प्रकार जो भगवान जहाँ कुछ जो उद्धव को निजर भी लगता उद्धव भी भगवान को देखिया पे स्वरूप से प्रकार ठाकुर जी को स्वरूप जेमती उद्धव को स्वरूप सेमती से ही पीताम्बर वस्त्र से ही प्रकार बनमाला से प्रकार तंकर शरीर वर्ण तंकर से आलुलायित केश तंकर हस तंकर कटाक्ष पा सब अविकल कृष्ण से खाली किछिटा तंकर तफात अछि वेणु नाय वंशी नाय कुस्तो मणि नाय ए सब दाग त्रिभंगी ठाणी ना कृष्ण त्रिभंगी छाटे उद्धव छिड़ा ना कौन सेमती ना कि दूर जे देख से चकमा खाई गोपीमाई चकमा खाई अरे साग ठाकुर जी आसले बोली से उद्धव को मुख से उद्धव को समस्ते भल पाते समस्ते विश्वास करते मुखर शुणापी प्रकट कर अंतर कथा कहीं कथा पावरफुल स्वीकृत हो गृहित हो इतिपाई जो मैंने विश्वस्त जो मानकर किसी ओजन अच्छे समाज रे जो मानकर आदर्श रही से मैंने जहाँ किसी गोटे कही दिखती प्राय अन्य पालन करने बाध्य होती से कथार गोटे गुरुत्व थाए जो मानकर इम्पोर्टेन्स जाऊ पाला मानने बड़ बड़ जो मैंने अच्छा प्रसाद सब क्षेत्र जो मैंने मुख था जो मानकर ओजनदार लोक तांकर कथार ही मजदा से प्रकार इतने ये तो जड़े उद्धव तो साधारण मंत्री नथिले साधारण नागरिक नथिले साधारण भक्त नथिले पूरा विश्वस्त पूरा परम भक्त तापरे जादव मानकर अत्यंत निजर बंधु सदृश चक्षु सदृश एपरी कहते इति श्रीमद्भागवते महाप्राणे ब्रह्मसूत्र भाष्य पारमहंस सहितं वैशिक्यं दशमस्कन्धे भगवत ध्यान भगवत जान सप्ततितम अध्याय इति श्रीमद्भागवत दशम स्कंदे सप्ततितम अध्याय श्री विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर कृत सारात दर्शन टीकार अनुवाद समाप्त हेले आम पढ़िया तापर एक सप्ततितम अध्याय एक स्त्री अध्याय एधर कौन पढ़िया उद्धवर मंत्रणा अनुसार श्रीकृष्ण इंद्रप्रस्थक मान पांडवगण परम उत्सव वर्णित होती उद्धव मंत्रणा देखते इंद्रप्रस्थ जी जरासंध युद्धा प्रश्न होदि ठाकुर जी निजे कही था कथा मानि था समस्ते तर्क वितर्क आसता मन भितर क्षोभ आसता तेणु उद्धव द्वारा से कही कम कम होगा इच्छा भी पूर्ण होगा कार्य भी सफल होगा ये हूँ वास्तव में कार्य सब कल पढ़िया कीर्तन करिया ध्यान सर कल करिया
अमित स्वानंद सुखद वासी राधिका माधव चरण दासी अमित स्वानंद सुखद वासी अमित स्वानंद सुखद वासी राधिका माधव चरण दसी अमित स्वानंद सुखद वासी दुहार मिलने आनंद करी दुहार वियोगे दुखते मोरी दुहार वियोगे दुखते मोरी सखी स्थली नाई हेरी नयन सखी स्थली नाई हेरी नयन देखिल सब्यके पड़े मने देखिल अमित स्वानंद सुखद वासी जे जे प्रतिकूल चंद्रार सखी जे जे प्रतिकूल चंद्रार सखी प्राण दुख पाई तहारे देखी प्राण दुख पाई राधिका कुंज आधार करी राधिका लईते चाहे से राधर हरी लईते चाहते से श्री राध गोविंद मिलन सुख प्रतिकूल जनना हेरी मुख आमी प्रतिकूल जनना अमित स्वानंद सुखद वासी राधिका माधव चरण दासीरा अमित स्वानंद सुखद वासी प्रतिकूल जतक जन रा
राधा प्रतिकूल जतेक जन संबसन कभू ना होय मन भक्ति विनोद श्री राधा चरणे भक्ति विनोद अमार भक्ति विनोद श्री राधा चरणे पैसे पोरण अतित जने सम्पेक्ष पोरण अति भजतने आमित स्वानंद सुखद वशी आमित राधिक माधव चरण दसी आमित सानंद सुखद वसी भक्तिन ठाकुर कर बड़ अंतर्निहित भाव प्रकाश कर सिद्धि लालसा स्वानंद सुखदवासी हे राधाकुंड निकटवर्ती श्री ललिताकुंड अंतर्गत कुंज ही स्वानंद सुखद कुंज राधाकुंड निकट जो ललिताकुंड अच्छा ललिताकुंड अंतर्गत जो कुंज ताकु कहला स्वानंद सुखद कुंज जदि ये वृंदावन किंतु अभिन्न वृंदावन हूँ सीधा नवदीप से भक्ति ठाकुर श्री नवदीप धाम अंतर्गत गोद्रुम धाम रे सरस्वती नदी तीर रे श्री स्वानंद सुखद कुंज प्रकाश करी भजन करते गोद्रुम जहाँ कह जाए स्वानंद सुखद कुंज भजन करते भजन स्थल बर्तमान सेठे ठाकुर भक्ति कृषि समाधि मंदिर और भावस्वासी विग्रह गौर गदाधर विराजमान अच्छा शील ठाकुर लिखित पांडुलिपि अनंग रंग रंग दवासी देखा जाए प्रकार से स्वानंद सुखदर सुखद कुंज भजन करी जो लालसा से कथा कहते मु स्वानंद सुखद कुंज राधाकुंड निकट था ललिताकुंड भितरे एक मनोरम कुंज जोटा श्री राधाकृष्ण विलास करती राधिका माधव निवासी अटे मु श्री राधा माधव चरण दासी अटे निजक दासी भी भाव भक्ति ठाकुर निजर भावना को उपस्थापन कर स्वानंद सुखद वासी राधिका माधव चरण दासी कहीं दुहार मिलने आनंद करी दुहार वियोगे दुखे ते मरी राधाकृष्ण मिलन रे आनंद पाउछी एवं सेमान को विच्छेद रे मोर दुख होउछी ए होउछी हमरो सखी मान कर गोपी मान कर दासी मान कर ए होउछी अंतर्निहित भाव एथिमे प्राय ब्रजरे जति सब सखी माने मंजरी माने दासी मान कर प्रथम कार्य ही जुगल सरकार मिलन कराने सामने जिन श्रावण मास झूला आर्तमान मिलन महोत्सव से बसंतरास आसो चंदन नौका विहार आदि प्राय भगवान कर जो ठाकुर जी कर जुगल सरकार जो होली आदि
जिते सब उच्छ मोहच सबु थिरे दासी मानकर मंजरी मानकर सखी मानकर बड़ लीला थाए बड़ सहयोगी थाए से माने कौन करती राधाकृष्ण मिलन जुगल सखा मिलन आनंद पाउचंती विच्छेद दुख हो तेणु निज भक्ति ठाकुर निजर भाव प्रकाश कर जेहेतु से निज दासी रूप अच्छा कहते राधाकृष्ण मिलन में आनंद पाऊँ से मच्छेद मोर दुख होना सखी स्थली ना हेरी नयने देखिले सभ्या के पड़े मने सभ्या के सभ्या हूँ चंद्रावली दूती चंद्रावली दूती दासी सखी जिंदी श्री राम श्रीमती राधाराणी जिंदी आम अच्छा सब ललिता अभिषेका चित्रा चंपलता दुलेखा तुंग विद्या अष्टसखी श्री चंद्रावली अष्टसखी अच्छा सभ्या पद्मा श्यामली विभिन्न ये सब रही सब ये कहते सखी सखी स्थली नाई हेरी नयने देखिले सभ्या के पड़े मने जे जे प्रतिकूल चंद्रार सखी प्राणी दुख पाई ताहते देखी श्रीमती राधाराणी विरोधी दल चंद्रावली सखी कुंज को मध्य दर्शन करिवे नाही होचंती राधाराणी विरोधी दल जो चंद्रावली सखी को देखिवे नी जो चंद्रावली कुंज को मझे मझे श्याम सुंदर जाती तथा भक्ति ठाकुर दासी भाव कहते जेहेतु से स्वामीनी विरोधी पार्टी आमर किशोरजी से चंद्रावली सखी कुंज को दर्शन करी ना से कुंजर दर्शन द्वारा सभ्या मान चंद्रावली सखी मान अंतर्गत स्मरण हो कारण चंद्रावली सखी मानू दर्शन करने द्वारा बड़ दुख हो सर्वदा श्रीकृष्ण को चंद्रावली पाखक नहीं जावाई चेष्टा करद्वारा राधाराणी कुंज अंधकारमय हो चंद्रावली जिते सब सखी मैंने सब प्रयास कर स्वामीन पाखु श्यामजी पाखु प्राण बल्लभ तर प्राण प्रतिम प्रियतम श्याम सुंदर को नहीं जावाई कुंज को जदि से कुंज चली जाती श्यामजी किशोरजी कुंज पूरा अंधकार हो एथपे राधाराणी वीर दल कहे मुझे कुंज को देखा इच्छा कैन राधिका कुंज अंधार करी लईते चाहे से राधार हरि राधाराणी हरि को सेनापाई चाहते हरण करने राधाराणी कुंज को अंधार करी तेणु श्रीराधा गोविंद मिलन सुख प्रतिकूल जन नाहरी मुख ये श्री राधाकृष्ण मिलन सुख बरं तर मिलन जो विच्छेद सृष्टि कर श्यामा श्याम विच्छेद जुगल सरकार विच्छेद किशोर किशोरी विच्छेद विच्छेद प्रिया प्रीतम विच्छेद जो मैंने सहायक कर पदक्षेप नौकरी सहित मोर कौन संबंध ना भक्ति ठाकुर कहते कारण चंद्रावली सखी मान दर्शन करने द्वारा बड़ दुख हो केवल श्री राधा गोविंद मिलन द्वारा सुख पाऊँ मत खाली जुगल सरकार मिलन ही दरकार यदि किशोर किशोरी जुगल मिलन हूँ ताल सुख एवं यही सुख में बाधा दे समस्त प्रतिकूल सखी मान मुख मध्य मुझे दर्शन करी ना भले सन चंद्रावली सखी हूँ कृष्ण पार्षद हूँ परिकर नित्य सीधा हूँ जेहेतु से मैंने जुगल सरकार मिलन में बाधा सृष्टि कर तेणु से मुख मु देखी ना मुख ही मुझे देखी ना जदि जो भक्ति ठाकुर जो भाव भावित बर्तमान स्वरूप को प्रस्थापना कर चंद्रावली सखी मैंने आम चिंतार ऊर्धर स्थित सब से मुख देखी ना कहते जो प्रति अहर्निशी जो चंद्रावली किशोरजी एम भितर कि ना विशेषकर चंद्रावली सखी मैंने किशोरजी सखी मान भर सब स्पाई सब भितर चल थो स्पाई भाया किए सामसंग नहीं कली चल थे काले चली गले कि काले देखा ही कि
यदि अकस्मात दैवाद यदि गौरवन भितर गौरवन बर्षण जदि कौनसी चंद्रालीस किलो आसीगले ताहले आंको मन छनका पशिला आसीगले कि यदि एक प्रकार चंद्राली सखी मानक देखिया पे ठाकुर जी प्रकाश करना इच्छा करना आ विषय लोक मान कथा कौन कया है स्थिति नाई मानक मुख कौन देख जो मान मुख हरिनाम नाई जो मान मुख जो मान मुख देखले भगवान को भूली जाए से मानक दर्शन करने से कभी चिंता ही करना जो चंद्रावली सखी कुंजर सखी मान दर्शन करने इच्छा करना विषय लोक मान कथा कौन कया पूरा बहिर्मुख राधाराणीकर प्रतिकूल जन मान सहित कथबार्ता करने मत इच्छा होना जो मैंने आम स्वामी प्रतिकूल जो मैंने से लोक सहित कथा मोर भी इच्छा ना हूँ राधा निष्ठा स्वामी निष्ठा कहगला शिल भक्ति ठाकुर कौन से राधाराणी चरण से बड़ जत्न सहित निज प्राण को समर्पण कर भक्ति ठाकुर कौन से राधाराणी चरण से जत्न सहित मान सतर्कतार सहित जमती समर्पण में उत्सर्गीकृत आत्मोत्सर्ग जमती कौन सी कापट्य तार न रही निष्कपट भाव अकैत भाव स्वत किशोर जी चरण से समर्पित होती ए कौन सी अन्य कौन सी अभिलाषा बिल्कुल ना स्वरूप उपस्थित ही उपस्थित हो वास्तव राधा निष्ठा थे दिल्ली में कौन सी मंत्री गोटे बोधे पूज्यपाद बर्षना रात प्रातः स्मरण उच्चकोटे सन्त रमेश बाबा जी ना बहुत बड़ मंत्री कि गोटे पार्लियामेंट बोधे सी किसी डोनेट करने चाहिए खबर देले महाराज जी आप आइए यहाँ आकर ले लीजिए ना ये कहले मुझ जीवि किशोर जी चरण छाड़ी मु कुआड़े जीवि मु संकल्प कर ब्रज बाहर को जीवि भले जहाँ भी जाओ यदि कुछ देना है तो आप खुद आकर दे दीजिए राज किशोर जी के चरणों में हमारे कोई गुंजाइश नहीं है भाई आपको कुछ दान देखना देना है तो खुद आके दे दीजिए दर्शन हो जाएगी हम क्यों जाएंगे आपके पास क्या मतलब है राधा निष्ठा क्यों देखो आम इतने तो दौड़ दौड़ पड़ा थे ठेरो महाराज मारे मान संत मान भाव ही से प्रकार आमर पूज्यपाद दीपक भारती गोसाई महाराज अच्छा गोड़िया वैष्णव बर्षनारे दीपक महाराज गोटे घर भितर दीर्घ दिन बांधिक अच्छा से बंधा मान बाहर बाहर ना गोटे रूम भितर कमरा भितर दिन राति चौबीस घंटा दिने नाई सप्ताह नाई पक्ष नाई मस नाई वर्ष नाई लगातार पंद्रह कोड़े पचीस वर्ष से भितर अच्छा महाराज चिंता कर किमती साधन कर रूम भितर कि प्रकार चिंतन कि प्रकार स्मरण महाराज नहांती बहुत सत अच्छा ब्रजरे बहुत सत पूरा भाई कड़े जाऊ ना बाहर चिंतन के उन्नत चिंतन कि सरकार लॉकडाउन करले आम मान मुंड खराब होगलानी सत कथा कड़े जापारे कि जी पारे कड़े मिसी पारे कि महात्मा अच्छा वर्ष वर्ष मान गोटे जीवन अर्ध समय बीती भजन कर से भजन चाहूँ निष्ठा से सम्बन्ध से यही हम भक्ति ठाकुर भाव से प्रकार स्वानंद सुख अमित स्वानंद सुख दवासी राधिका माधव चरण दासी ए प्रकार किशोर जी चरण से दासी किशोर जी विरोधी जन मान मुख चाहूना आज मैंने श्याम सुंदर को समाज छड़े ना चाहते कुंज को देखा चाहूना महाराज हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayanita, Jayago, Jayanita, Jayago. Jay Radhe, Jay Krishna. Jay Radhe, Jay Krishna. Gaur Gadadhar, Gaur Gadadhar, Gaur Gadadhar, Gaur Gadadhar. Jai Gurudev, Sila Gurudev, Jai Gurudev, Sila Gurudev. Jai Prabhupada, Sila Prabhupada, Jai Prabhupada, Sila Prabhupada.
श्री श्री गुरु गौरांगंधर के अग्रधरी राधा कुंज बेहरी सरकार जय राधा माधव राधा मदन मंजीव जय तदे पिता ते संध्या पाठ कृत जय श्रीमद्भागवत महापुराण जय तदे पारण जय बादल सुखद परिकीत महाजय बलदेव विद्यालय विष्णु पटव सिद्ध स्वामी विजय जय नारद जी महाराज जय द्वारकाधीश सरकार जय उद्धव जी महाराज जय भक्ति ठाकुर महाराज की जय जय विष्णुपद गुरुदेव पति पान परमश पर आचार्य भक्ति परीक्षा महाराज जय जगत विश्व भक्ति सिद्धांत सरदी से प्रभुपाद की जय जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्ट दास से वृंद की जय सबंध सपरिकर सपस्त प्रभुपाद पृष्ठ की जय नमाचार्य श्री हृदय सूर्य श्री राधा रानी की जय वर्षायन बल वर्षण स्वामी भक्त जय जय श्री राधा की जय।